पब्लिक पीपल्स हो गया यार, आ गया हूँ नए वीडियो को लेके। तो जो आपका डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है, जो हुआ है डिसेबल, आप उसको रिकवर करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल ये जो वीडियो है ना आपके लिए है। जो आपका डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है उसको आप सक्सेसफुली रिकवर कैसे कर सकते हो, बिल्कुल वो मैं आपको बोलूँगा। 100% जो आपका डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है बिल्कुल उसको आप रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर विनती है, गुजारिश है, वो ये है कि यार वीडियो पर आप आ गए हो, वीडियो आप देख रहे हो, तो विनती एक ही है, वीडियो को हाफ नहीं देखना है, वीडियो को आपको देखना होगा पूरा। वीडियो को पूरा देखने के बाद जो आपका डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है उसको आप सक्सेसफुली बिल्कुल रिकवर कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाफ देखोगे, वीडियो पूरा नहीं देखोगे, यहाँ पे होगा क्या, जो आपका टाइम है वो यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। तो क्या करना है, वीडियो को आपको देखना होगा पूरा, डिसेबल फेसबुक का अकाउंट को आप सक्सेसफुली बिल्कुल रिकवर कर सकते हो। तो बातें हुई हैं बहुत सारी, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई की छोटी सी विनती, आए हो चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना। उन सब दोस्तों से विनती है, गुजारिश है, जिनका डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है मैंने रिकवर कर दिया है, और उन सब दोस्तों से भी गुजारिश है जिनका डिसेबल फेसबुक का अकाउंट रिकवर हुआ है मेरे वीडियोज़ को देख के। तो विनती एक ही है उन सब दोस्तों से, प्लीज़ यार नीचे कमेंट आप बिल्कुल कर देना। जिन दोस्तों को मेरी हेल्प चाहिए, आपका डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है उसके रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली नीचे आपको आना है कमेंट में, वहां पे आप मुझे बता सकते हो। तो क्या करना होगा, नीचे आपको आना है कमेंट में, वहां पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हो, जो मेरे टेलीग्राम की चैनल है नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप आ सकते हो, जुड़ सकते हो। अगर आप फेसबुक पे आना चाहते हो, जो मेरा फेसबुक का पेज है टैग बाय वसीम, वहाँ पे भी आप आ सकते हो, लिंक सारा कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको टेलीग्राम पे कोई भी पैसे मांग रहा है तो किसी को एक पैसा भी नहीं देना, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। जो डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है उसको आपको रिकवर करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं आपको यहाँ पर तरीके दो दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल वर्किंग है, जो डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है बिल्कुल आप रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सर्च बार में क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा फीडबैक अबाउट प्रोफाइल कनेक्शन। ये लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो योर फीडबैक अबाउट प्रोफाइल कनेक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट है, ईमेल एड्रेस है, फिर है फीडबैक। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ सिंपली दूसरे टैब में आ जाना है, जो आपका डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है, आपको क्या करना होगा, उस डिसेबल फेसबुक के अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ, मैं लॉगिन हो गया हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं लॉग आउट पे कर लेता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपका डिसेबल फेसबुक का अकाउंट है आपको क्या करना होगा, उससे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, इस वाले पेज पे मैं वापस आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट है, ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे फीडबैक। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, जो यहाँ पर ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे हटे जाएगा, क्योंकि जो फेसबुक है वो आपके ईमेल एड्रेस को ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, जो ईमेल एड्रेस है वो हट गया है, और यहाँ पे फेसबुक ने जो आपका ईमेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली कर लिया है डिटेक्ट। और उससे बेनिफिट ये है कि यार फेसबुक जल्दी रिव्यू यहाँ पे करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट में आपको सिंपली लिखना होगा कि माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट वाज डिसेबल्ड, और फीडबैक में आपको यहाँ पर लिखना है कि आप क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हो। तो मैं लिख लेता हूँ, फिर आ जाते हैं वापस। लिखना है नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके साथ आपको क्या करूँगा, नीचे जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपको लिखना होगा, जो आपका नाम है फेसबुक पे वो आपको लिखना होगा, जो DOB है वो भी आपको लिखना होगा। फिर सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेंड के आइकन पे टैप कर लेना होगा, क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सेंड के आइकन पे क्लिक करा, तो यहाँ पे हेल्प सेंटर ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन, यहाँ पे आपको लॉग आउट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आएंगे दूसरे टैब में। दूसरे टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा रिपोर्ट लॉग इन इशू। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप फिर से यहाँ पे रिपोर्ट लॉग इन इशू करो, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या एड्रेस को ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, उससे बेनिफिट यहाँ पर ये है, यहाँ पे रिव्यू जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल एड्रेस यहाँ पर नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना होगा वो आपको नीचे मिल जाएगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे सेंड करना होगा, जो भी प्रॉब्लम आप वहाँ पे फेस कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ पे आपको डाल देना होगा। तो मैंने ये कर लिया है। तो उसके बाद क्या करना होगा, सेंड के आइकन पे आपको टैप कर लेना होगा, क्लिक कर लेना होगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना होगा, 2 दिन भी लगते हैं, कभी कभार 3 दिन भी लगते हैं रिप्लाई आने में। तो मेरी कुछ हेल्प चाहिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो ये तो था वीडियो आज का, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।